हेलो, एक फूल दो माली, डिप्रेशन फेसबुक के वजह से, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ मेरे वीडियो में। फेसबुक ने इतनी उधम मचा दिया है कि लोगों का जीवन ही बर्बाद हो रहा है। एक लेडी मेरे पास में आई, करीब करीब 38-39 साल की उम्र। उसका जो पति है वो मिडिल ईस्ट में है, वो 4-5 महीने में एक बार यहाँ आते रहता है और बाकी फिर हर महीने में इसको यहाँ पैसे भेजता है। ये भी कुछ व्यवसाय यहाँ करती है और व्यवसाय करके अपने दो बच्चे उनका गुजारा करती है, और वो 4-5 महीने में एक बार आता है, इनके साथ में रहता है 8-10 दिन। उसका वहाँ बिजनेस है मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ अच्छी कमाई करता है, मगर उनको वहाँ शिफ्ट नहीं करता क्योंकि भाई यहाँ सब, उसको वातावरण यहाँ का पसंद है अकोले का, और अकोला में बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा उसको ऐसा लगता है। हुआ क्या है कि मतलब लेडी घर में फ्री टाइम है, फेसबुक से आज तो दुनिया के कहीं भी कोई भी व्यक्ति को आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक ने धीरे धीरे एक व्यक्ति की उसकी दोस्ती कर दिया। वो लड़का उससे 10 साल कम उम्र का, मगर उसकी दोस्ती हो गई, चैटिंग चालू हो गई और धीरे धीरे उसका रूपांतरण प्यार में हो गया और उनका संबंध आना शुरू हो गया। अब उसके रिलेशनशिप में आ गए और उसको भी, उसकी चाहत इतनी बढ़ गई तो उसके सिवाय अभी उसको जीना भी कठिन हो गया। वो लड़के को भी इसके अलावा जीना मुश्किल है, इसको भी उसके अलावा जीना मुश्किल है। अब वो अपने हस्बैंड को बताती कि देखो ऐसी ऐसी मेरी गलती हो गई और ऐसा ऐसा मैंने किया और अभी मैं ये प्यार में हूँ, अभी बताइए क्या करना था। हस्बैंड बोलता कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तू उसको छोड़ दे। वो लड़का बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता, तू उसको छोड़ दे, वो हस्बैंड को, और ये खुद दोनों को छोड़ना नहीं चाहता। फेसबुक में दोस्ती होने के बाद कम से कम 1.5 साल उन्हें अपने एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, मगर प्यार बढ़ते गए और बाद में एक दूसरे को देखा और बाद में संबंध आए। अब दोनों जो हस्बैंड है और ये जो दोस्त है, उनकी दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। वो उसको बोलता कि तू छोड़ दे, वो बोलता कि तू छोड़ दे, दोनों भी प्यार कर रहे, ये लेडी भी दोनों से प्यार कर रही है और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। वो लेडी मेरे पास में इसलिए आई कि वो काफ़ी डिस्टर्ब है, उसको नींद बराबर नहीं आती, खाना चलता नहीं, उसको समझता नहीं कि क्या करना। वो मिडिल ईस्ट में है या अकोला में है और डाइवोर्स लेना भी नहीं चाहता, वो देना नहीं चाहता, वो लेना नहीं चाहती, और उसको समझता नहीं क्या करे। वो जो मिडिल ईस्ट में जब अकोला में आया पिछले बार, तो दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारामारी तक हुई, मगर वो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं, लड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं। बच्चों के सामने सीन क्रिएट हो रहा है, समाज में नाम बदनाम हो रहा है, और अभी इसमें वो लेडी जो है उसको तकलीफ ये हो रही है कि काफ़ी डिप्रेस्ड है। उसको लगता है कि मैं सुसाइड करूँ तो भी अच्छा है, उसको सुसाइडल थाट्स आते हैं। उसने काफ़ी सारी गोली खा लिया, खुदकुशी करने की कोशिश भी किया कि भाई मैं तो यहाँ से छूट नहीं पा रही हूँ, मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, अटक गई हूँ, दोनों को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए सुसाइड की कोशिश किया। और मेरे पास में अभी आती कि मेरे को सुसाइड करने के लिए मैंने गोली भी खाई, उसमें से बच गई, अभी मेरी हिम्मत रेलवे के नीचे आने की होती नहीं है, अब करूँ तो क्या करूँ। रोते रहती है, डिस्टर्ब है, दोनों से ये भी झगड़ा कर लेती है, उनको पता नहीं भी करना क्या है। ये फेसबुक ने तो उधम मचा दिया है, लोग इसे को पहचानते भी नहीं, ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती हो रही है। व्हाट्सएप में काफ़ी लोगों की दोस्ती हो रही है, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में जा रहा है, कौन से ग्रुप में कैसी दोस्ती हो रही है, और उससे एक समाज विघातक काम जैसा हो रहा है। अभी हमारे दोस्त एक मिले थे, वो बोल रहे कि मेरा लड़का अभी 11th क्लास में है, काफ़ी बड़े व्यक्ति है वो अकोला के, बोले कि मैंने अभी मेरे लड़के को व्हाट्सएप ही दिया, मतलब मोबाइल दिया ही नहीं, स्मार्टफोन दिया नहीं कि जिसके ऊपर वो मोबाइल में खेल सके और उसके ऊपर कुछ मतलब उल्टा पुल्टा काम करे। बच्चों को अभी देना कि नहीं देना मोबाइल, ये पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा। बच्चे एक दूसरे को देख के पेरेंट्स के पीछे लगते हैं कि नहीं हमको मोबाइल होना, हमको ये करना है, हमको इंटरनेट पे जाना है, हमको गूगल से कुछ सर्च करना है, हमको पढ़ाई करना है, उसके लिए मोबाइल ले लेते हैं और उसमें फिर व्हाट्सएप है, फेसबुक है और फिर काफ़ी सारे यूट्यूब है, काफ़ी सारा उसमें से माहौल तैयार हो जाता है। ये रेडी को मैंने काउंसिलिंग के लिए बुलाया, 2-4 सिटिंग हुए, उसको थोड़ी दवाई भी दिया जिससे उसको काफ़ी अच्छी नींद आई, और वो नींद आने के बाद में वो काफ़ी फ्रेश होते गई। उसको धीरे धीरे समझने लगा कि अपन क्या गलती कर रहे हैं,
और उसने आखिर यह निर्णय लिया कि नहीं, मुझे जो हस्बैंड है उसके साथ में रहने का है, मुझे वो नहीं करने का है कि जो अभी मैं कर रही हूँ। और उसने उसको ये फिर बाद में धमकी दिया कि भाई अभी मैं, तू मेरे से नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं तेरे से बात भी नहीं करना चाहती, और तू यदि ऐसा चाहता है तो मैं पुलिस में इंफॉर्मेशन दूंगी और तेरे अगेंस्ट में, तेरे खिलाफ में कंप्लेंट कर दूंगी। और उसको ये काउंसलिंग से ये पॉसिबल हुआ, दवाई लिया तो उससे दिमाग शांत हो गया और उसमें से जो कश्मकश चल रहा था उसमें से वो उसका छुटकारा हो गया। इसमें से टेक होम मैसेज यही है कि भाई फेसबुक में, व्हाट्सएप में या फिर अभी कोई भी जो सोशल मीडिया, इसमें कितना किसने इन्वॉल्व करके लेना, माँ बाप ने कितना अपने बच्चों के ऊपर ख्याल रखना, हस्बैंड ने कितना बीबी के ऊपर, बीबी ने कितना हस्बैंड के ऊपर, कहाँ कहाँ किसको कहाँ से रोक लाए, क्या करे समझ में नहीं आ रहा लोगों को। इसमें यही है कि भाई अपने आप को डिसिप्लिन लाना, अपने आप को संयमित रखना, और वो बहुत कठोर काम है, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन लगेगा, अपने आप के ऊपर कंट्रोल आना होगा, ताकि सोशल मीडिया है तो अच्छी, कोई बुरा नहीं है, मगर उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें से काफ़ी लोग फंसे जा रहे हैं, काफ़ी लोगों का जीवन जो है बर्बाद होने जा रहा है। तो मैसेज तो यही है कि अपने लिमिट तक, कुछ लिमिट तक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आप गूगल का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का या फेसबुक का, जो भी है सोशल मीडिया का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो आप यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो बर्बादी के सिवा और कुछ होगा नहीं। ये वीडियो आप काफ़ी लोगों को फैला दो, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, लोगों को समझ में आएगा कि ये हम कैसे अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं फेसबुक में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और उसमें बेल जो आते हैं ना, बेल का चिन्ह, उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की इंटीमेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी। हमारा जो मकसद है वो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। हमारे जो दो हॉस्पिटल्स है यहाँ, जिसमें हम रिलेटिव के साथ में, रिलेटिव के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं, हमारे हॉस्पिटल अकोला में है, थाना में है, पूना में, नागपुर में है, तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लोगों का जो इलाज है वहाँ वो कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कभी भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।